ये जो आप खुली हुई मशीन देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये मशीन का कौन सा पार्ट पड़ा है, तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये एक 20 टन की प्रेस है और इसको अभी हमने खोला है। खोला किस लिए, उसको आगे चल के बताता हूँ कि क्या ऐसा बड़ा फॉल्ट आ गया जिसके लिए इसको खोलना पड़ा। और पहले मैं इसकी बॉडी दिखा दूँ आपको कि ये प्रेस की बॉडी है 20 टन की, और ये बुश लगे हुए हैं इसके अंदर। गन मेटल के बुश भी होते हैं और कास्टिंग के बुश भी लगाते हैं कई प्रेसों के अंदर। और ये कुछ साइड में से दिखाई दे रही है बॉडी इसकी, और कुछ मैं अंदर से दिखाता हूँ जहाँ पे इसकी रैम चलती है और जहाँ पे बट्टा होता है जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे स्लाइड करता है ये जो हमारा रैम है जिसे मैं बट्टा भी बोल रहा हूँ। और इसके साथ ये बॉल स्क्रू लगा हुआ है। और ये कैसे बना हुआ है ये आप बॉडी में देखें, और जो हमारा बट्टा है वो देखिए बी स्लाइड के अंदर इस तरह से फिट रहता है जब ये मूवमेंट करता है अप डाउन के लिए। और इसको पूरा राइट एंगल में फिट किया जाता है, और नीचे से देखें कुछ इस तरह का हमारा रैम है, जो हमारा बट्टा है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है जिसके अंदर हम ढाई को क्लैंप करते हैं। और बैक साइड से देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और ये बॉल स्क्रू आ गया और ये स्लाइड आ गई, और स्लाइड के साथ ये मिस्त्रे हैं, और ये बॉडी के अंदर का भाग है, और इसको मजबूती के लिए और अंदर थोड़ी मजबूती की हुई है इसके अंदर, क्योंकि ये ज़्यादा मोटी मतलब शीट के अंदर से नहीं बनता। और देखिए जहाँ पे बुश लगे वहाँ पे अलग से ही चौरस पीस लगा रखे। ये कॉस्ट कटिंग की होती है प्रेस में, मतलब कि कॉस्ट कटिंग भी कम पैसों में प्रेस कैसे तैयार करें। तो ये 20 टन की प्रेस की बॉडी है, तकरीबन ये बाहर 12 mm के आसपास प्लेट लगी है, और जो अंदर प्लेट लगी है ये तकरीबन 25 से 30 mm के आसपास लगी। ये जो हमारा पट्टा है ये बैक साइड से अंदर से दिखा रहा हूँ, जो अंदर का भाग स्लाइड करता है अप डाउन के लिए, और मजबूती के लिए इसको प्रेस के अंदर कई अलग अलग पार्ट बना दिया। और ये देखिए सी टाइप प्रेस है, तो सी टाइप मजबूत करने के लिए यहाँ से फट ना जाए प्रेस, तो यहाँ पे भी एक प्लेट अलग से लगा दी है 12 mm की मोटी। और ये बेड है, और बेड के नीचे भी प्लेट वही लगी हुई है जो साइड में लगी है 12 mm के आसपास की। तो ये तकरीबन बेड भी तकरीबन 2 इंची के आसपास है, और अंदर से भी मतलब इसके अंदर ज़्यादा प्लेटें लगा दी हैं जिससे इसकी मजबूती ज़्यादा होगी। ये बिल की साइड से दिखा रहा हूँ आपको। और ये टॉप पे मोटर, मोटर को हाइट देने के लिए क्योंकि बिल भी बड़ा लगा है तो बेल्ट भी डालनी है। और ये आगे से, और आगे के बाद ये देखिए इसका गेयर है, गेयर के लिए अलग से बुश लगाया, वो बाहर की तरफ करके लगाया, और अंदर से गन मेटल का बुश इसके अंदर लगा हुआ है। ऐसे ही बील की तरफ है, बील की तरफ भी बाहर निकाला हुआ है बुश और बील लगा हुआ है। और ये वाला गियर व्हील इस प्रेस के अंदर लगता है 20 टन की प्रेस के अंदर, और इसके अंदर भी एक कास्टिंग बुश लगता है जिसके अंदर ये वी कटी हुई है। ये वी कटी आपको पता होगा किस लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये अंदर जो मेन बुश है वो एक साइड से कम है और दूसरी साइड बाहर की साइड से ज़्यादा है, अगर हम साइड से इसको देखें। उसके बाद करते हैं बात शाफ्ट की, और जो शाफ्ट है शाफ्ट कुछ इस तरह की होती है प्रेस के अंदर 20 टन की प्रेस के अंदर। और जो शाफ्ट के अंदर की ये कट डाला गया है, ये मेन भाग है जो प्रेस को मूवमेंट देता है। तो ये अगर साइड से देखें कुछ इस तरह से इसके अंदर हाफ कटिंग की हुई है। यहाँ पे हमारी चाबी लगेगी, एल टैप चाबी लगेगी और दूसरी प्लेन चाबी लगेगी, और इसके अंदर यहाँ पर भी एक चाबी लगेगी। और थोड़ा घुमा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी एक चाबी लगेगी, मतलब प्रेस के अंदर कई तरह की चाबी लगती हैं, और एक चाबी यहाँ पे भी लगेगी टीर चाबी जो हमारी टूट चुकी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसको मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर ना एक जो टी टाइप चाबी होती है वो टूट गई है, और वहाँ पे भी एक चाबी कटी हुई है, वहाँ की चाबी की बात भी आगे करते हैं। यहाँ से टी लगती है चाबी, ये दाँतों के अंदर, यहाँ ये दाँतें यहाँ बैठ जाते हैं, और इनके अंदर जो कट दिया गया है रिंग के अंदर वो मैं आपको थोड़ा घुमा के दिखाता हूँ वो कहाँ पे लगेगा। ये यहाँ पे एक टी चाबी है जो मेन इसको चलाती है, ये बहुत ही रियर चांस, कम चांस होता है टूटने का। ये तब टूटती है अगर आपका बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड हो गया होगा इसके ऊपर, प्रेस के ऊपर आपने ज़्यादा ही धक्का किया होगा, तब जाके ये टूट जाता है। तो इसकी जब चाल चेंज करते हैं, चाल कुछ इस तरह से चेंज होती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो अंदर का चांद दिखाई दे रहा है आपको, और बाहर का एक आपको चांद दिखाई दे रहा होगा, जैसे जैसे ये मूवमेंट करती हुई ऊपर आएगी तो आपकी चाल है जो कम और ज़्यादा होती जाएगी। अगर आप इसको एक टाइम के बाद थोड़ा ज़्यादा आगे इसको घुमा दोगे
तब जाके आपकी चाल है जो उल्टी हो जाएगी। अगर आप ऐसी तरह से दूसरी तरफ भी घुमा के चाल को सेट करोगे, लगेगा आपको चाल सेट कर दी है लेकिन चाल आपकी उल्टी सेट हो जाएगी, जिससे आपकी आवाज़ प्रेस के अंदर टक टक की आवाज़ है जो लगातार आती रहेगी। चाल सेट करते समय ये बात का आप ध्यान रखें। अभी बात करते हैं शाफ्ट की, क्योंकि शाफ्ट की बात कर रहे थे। अभी देखिए ये एल टाइप हमारी की है चाबी, तो ये कुछ इस तरह से मूवमेंट करती है। इसके अंदर जगह इतनी दी गई है कि ये इस तरह से मूवमेंट करे पूरी। जब हमने रोटेट करनी है, जब चाबी का पेडल हम दबा देते हैं तो ये अंदर से ऐसे मूवमेंट करेगी, और जो प्लेन चाबी है वो इस तरह से रहेगी इसके अंदर। कईयों में क्या होता है कि पूरी एल टाइप चाबी लॉन्ग ही होती है, सिरे तक एक ही होती है, और किसी किसी प्रेस में अलग अलग इस तरह से दो चाबी डाली होती है। कई बार टूट जाए तो एक ही चाबी आपको बदलने की ज़रूरत है। तो ये मूवमेंट कर रही है, जैसे आपका ये भाग ऊपर उठ रहा है चाबी का, जब ये भाग ऊपर उठेगा और ये मूवमेंट करेगा तो जाके ये व्हील के अंदर, मतलब जो कट डाले हैं उसके अंदर ये फंस जाएगी। और व्हील के अंदर ये वाले जो कट हैं ये इसीलिए डाले हैं, जब ये व्हील घूमता रहेगा, जब हम चाबी को कमांड दे देंगे तब इस तरह से हो जाएगी और इस टेढ़ी होते सार ही इसके अंदर फंस जाएगी, और इसको घुमा के इसका कंट्रोल इस बुश के अंदर रहेगा। देखिए इसको एक तरफ से बिल्कुल सीधा है, एक तरफ से ये डिग्री में है। डिग्री में इसलिए कि जब आपकी चाबी है जो रोटेट करेगी तो इतनी डिग्री तक रोटेट करेगी, और इसके अंदर भी एक कट डाला गया है क्योंकि जो चाबी का ऊपर का भाग है वो इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर लूज नहीं होनी चाहिए चाबी। अभी मैं आपको चाबी रख के दिखाता हूँ। ये एल टाइप चाबी हमने रख ली, अभी हमने पैडल दबाया तो ये चाबी यहाँ आ जाएगी और दोबारा फिर वापस यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से ये मूवमेंट करती रहेगी, और अंदर से आपको कुछ इस तरह से इसकी मूवमेंट दिखाई देगी। जैसे ही आप पैडल दबाओगे इस तरह से चाबी है जो आपकी रोटेट करेगी, जिससे ये दूसरी चाबी को कमांड दे देगी चलने के लिए। और ऊपर से अगर देखें तो कुछ इस तरह से है दूसरी साइड से। इसके अंदर भी एक चाबी कटी है, उसकी भी बात आगे चल के करते हैं। तो ये इसलिए लगा हुआ है बुश ताकि ये पूरी कमांड इससे ना ज़्यादा हो ना और कम हो। बिल्कुल साइड में से अगर देखें हम, कुछ इस तरह से ये मूवमेंट दिखाई देगी। जो चाबी जब ये फिट होता है तो ये प्रेस के नीचे होता है भाग। तो वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी भी बात करें चाबी की, ये चाबी यहाँ पे लगती है, यहाँ पे इसका जगह है, और ये जो बड़ी चाबी है ये यहाँ पे फिट होगी। ये सेंटर है शाफ्ट का, और ये हमारी केम है, और केम के अंदर शाफ्ट के अंदर जो चाबी है यहाँ पे दोनों फिट हो जाएंगी। और ये है एक ब्रेक, जो शाफ्ट पूरी फिट हो जाएगी। फिट होने के बाद उसको रोकने के लिए झटका ना दे, टक टक ना करे, तो उसके लिए ब्रेक के लिए कवर है। ये बाहर की तरफ कवर है जब हमारी चाबी लग जाएगी। और ये रिंग है जो हमारी चाल को, जहाँ पे हमने चाल को सेट करना है वहाँ पे सेट करने के बाद लॉक करना है, और ये आपस में जुड़ा ना हो, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। ये यहाँ पे लगेगा जब आपके दांते यहाँ पे आपकी चाल सेट हो जाएगी। और जो ब्रेक के अंदर ये हमारा जो ब्रेक का बुश है जो शाफ्ट के साथ अटैच रहेगा, और जो जीरी काटी हुई है इसके अंदर, जब इसको टाइट करेंगे तब हमारी ब्रेक कुछ लगने के बाद इस तरह से दिखेगी, और वहाँ से जीरी से हम इसका बोल्ट टाइट करेंगे तो टाइट हो। ये कुछ मेन इन्फॉर्मेशन थी प्रेस के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए।